हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किए थे, जिसके अंदर आपको यह सिखाया था कि चेक करना है कि गिवन पॉलिनोमियल जो लीनियर है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब इस वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर अगर कोई सपोज अननोन कोएफिशिएंट के कहीं पड़ा है और ये दे रखा है कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है या ये इसका फैक्टर है, तो आपको बताना है के की क्या वैल्यू हो। अब इसके अंदर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि फाइंड के इफ इट इज अ फैक्टर ऑफ। आपको दे दिया फैक्टर है, तो आपको याद रखना है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। दैट इज रिमाइंडर की वैल्यू सामने जीरो रख के चलो। पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करना था, इसमें रिमाइंडर की वैल्यू जीरो रख के चलो। देन ऑल टर्म्स कंटेनिंग के शुड बी कैप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल टर्म्स विदाउट के शुड बी कैप्ट ऑन RHS, और सिंपलीफिकेशन से K की वैल्यू निकल आएगी। इसमें वीडियो में मैं आपको एक NCERT का क्वेश्चन कवर कर रहा हूं ऑल पार्ट्स, और एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन RD शर्मा से लेके इसे भी कवर कर रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई अननोन कोएफिशिएंट K हो और उसका फैक्टर दे रखा हो तो K की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे NCERT क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये है, तो पॉलिनोमियल ये है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो आपको लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिख के दिखा दूं, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर 9th और 10th के लिए, अदरवाइज मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो प्रेजेंटेशन में ये लिखना जरूरी है, बिकॉज एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, ये आपको दे रखा है गिवन, देयरफॉर रिमाइंडर जो कि निकलेगा पी ऑफ वन से शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि दे रखा फैक्टर, देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। सो यानी पॉलिनोमियल में क्योंकि इसका डिवाइजर का इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू वन आएगी, तो वन पुट कर देना है, तो पॉलिनोमियल एट वन फाइंड करना है हमने। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, वन पुट करोगे तो वन द होल स्क्वायर प्लस वन प्लस के शुड बी इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना। पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करना था, जीरो नहीं रखना था, इसमें रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि फैक्टर है, और टू प्लस के शुड बी इक्वल जीरो और के इज इक्वल टू माइनस टू, तो इट इज द आंसर। यानी अगर के माइनस टू हो जाए तो इसका फैक्टर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में इसका कंटिन्यू करता हूं। सेकेंड पार्ट का ये पॉलिनोमियल है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, इसी में आ जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में, इसको मैं यहां ला रहा हूं, इस पॉलिनोमियल में सिंपली एक्स की जगह वन पुट कर देना है, लैंग्वेज वही रहेगी, तो आई विल राइट टू इंटू वन द होल स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जरूर लिखना है क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा, फैक्टर दे रखा है वर्ड। देन ये बनेगा टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, therefore k is equal to minus of 2 and minus of root 2, or k is equal to minus of common 2 plus root 2। इसका मतलब है k की अगर ये वैल्यू हो जाए minus of 2 plus root 2, तो x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 कवर हो गया, आई थिंक क्लियर है, सिंपल लग रहा है यहां तक। अब इसको थर्ड पार्ट कर देते हैं। इसको थर्ड पार्ट में भी पुट एक्स की जगह वन ही करना है, बाकी कैलकुलेशन में गलती ना करें, नहीं तो सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल ये गिवन है थर्ड केस में, इट इज के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, फैक्टर दे रखा है, रिमाइंडर जीरो आएगा, वन पुट कर दे तो के इंटू वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक्स की जगह वन पुट किया है, और k माइनस रूट टू प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, और k इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाला उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब k की अगर ये वैल्यू हो रूट टू माइनस वन, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ये हो गया पार्ट नंबर इसका 3। पार्ट नंबर 4 भी इसी पे कवर कर देता हूं। देखिए, मेरा पर्पस यही है कि आपको कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन दूं, इसलिए मैं क्वेश्चन पहले लिख के रख देता हूं ताकि टाइम सेव हो जाए।
ये पार्ट नंबर फोर, इसको मैं यहीं ले आता हूं। पार्ट नंबर फोर में पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। फिर ये देखा x माइनस वन फैक्टर है और आपको फाइंड करना है k की क्या वैल्यू हो, तो पुट x इक्वल टू वन, तो k वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस k इज इक्वल टू जीरो। बार बार कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू जीरो। जब भी k या अननोन कोएफिशिएंट, कई बार a भी हो सकता है या p भी हो सकता है, तो ऐसे वाले केस में ये जरूर है इज इक्वल टू जीरो रख के चले, तो देन ये बन जाएगा k माइनस थ्री प्लस k इज इक्वल टू जीरो। k एंड k विल बिकम टू के, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और टू के इज इक्वल टू थ्री और k इज इक्वल टू थ्री बाय टू। यानी अगर k की वैल्यू थ्री बाय टू हो जाए तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, तो ये सेकंड टाइप कवर की। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आरडी शर्मा से ले लें ताकि आपको मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे से कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें अननोन कोएफिशिएंट के या ए या पी कुछ पढ़ा हो और एक वैल्यू आपको फैक्टर दे रखी हो, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये कवर कर लेते हैं विच इज फ्रॉम आरडी शर्मा। आपको इनवेरिएबली ऐसे क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे, जितनी भी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है हर एक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मेथड वही है, आप डिवाइजर को वन माइनस टू एक्स को जीरो पुट कर दें, देन वन उधर जाके टू एक्स को प्लस का कर दें क्योंकि माइनस वाले टर्म उधर जाके प्लस का हो जाएगी, टू यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें तो वन बाय टू इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मीनिंग है जहां भी एक्स आए वहां वन बाय टू पुट करना है। तो मैं पॉलिनोमियल कॉपी कर दूं यहां पर, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स फोर माइनस के एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1। अब क्वेश्चन है फाइंड के इफ px इज डिविजिबल बाय, जब मैं बात कहूं ना डिविजिबल बाय इसका मतलब फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है, तो वही लैंग्वेज आएगी इसके अंदर। हमें पुट करना है पॉलिनोमियल एट हाफ, तो देखो इसको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बाकी कोई नया मेथड नहीं है, मेथड आपको सिखा दिया मैंने। तो 2 इंटू वन बाय टू पावर 4 माइनस के इंटू वन बाय टू पावर 3 प्लस 4 इंटू वन बाय टू पावर 2 प्लस 2 इंटू वन बाय टू एंड प्लस 1। तो देखो पहले स्टेप में सिर्फ वैल्यू प्लेस की है, आगे इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ये बनेगा 2 इंटू वन बाय टू पावर 4, 2 4 8 16, ये बन जाएगा 1/60। इसे एक ब्रैकेट में रखो, ये देखो ये प्रेजेंटेशन वाली बात है, अगर आप ब्रैकेट में रखोगे तो आपको खुद को ही कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये इसे कैंसिल करना है नहीं। अगर सपोज ब्रैकेट नहीं है तो आप दो टर्म इधर उधर की मिला दोगे और सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, तो कीप इट इन वन ब्रैकेट, ये सिंप्लीफाई अलग से करना है। माइनस के इंटू वन बाय टू पावर 3 इट विल बिकम 1/8 प्लस 4 इंटू वन बाय टू स्क्वायर 1/4 प्लस, ये तो 2 से 2 कट करके 1 और 1 2 मैंने ऐसे लिख दिया, ये कट करके 1 और 1 मोर, ये 2 मैंने यही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये से कैंसिल करोगे इट विल बिकम 1/8 माइनस के बाय 8 प्लस, इसे भी कैंसिल कर दो, ये 1 बन जाएगा, 2 ये और है तो सामने प्लस इसका 3, और क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो सामने 0 लग के चलो, अदरवाइज k की वैल्यू तो निकलेगी ही नहीं, तो k की वैल्यू के लिए 0 रख के चले। इसके बाद इसका ले ले एलसीएम, 3 मींस 3/1, नाउ एलसीएम इसका 8 आएगा, 8 1 माइनस के प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन 1 माइनस के प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो और माइनस के प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो और माइनस के इज इक्वल टू, ये प्लस 25 उधर जाके माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25 वी कैन कैंसल माइनस विद माइनस, तो आंसर इज के इज इक्वल टू 25। यानी अगर k की वैल्यू 25 हो जाए तो 1 माइनस 2x इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो एक टॉपिक और कवर हो गया, अब वीडियोस को लगातार वॉच करना क्योंकि अगला जो पार्ट आएगा उस वीडियो में यह सिखा दूंगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का।
अगर वो अच्छे से सीख लिया तो टेंथ के दो चैप्टर में आसानी हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो को, इसे भी आपने पूरा देखा, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर पूरा वॉच करना, क्योंकि उससे फाउंडेशन, नींव डल जाएगी कि आपको फैक्टराइज करना आता है या नहीं आता। वो फैक्टराइजिंग स्टार्ट होगी वो, और देन वो नाइन्थ में तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा, टेंथ के दो चैप्टर में कंटिन्यू करेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर रहे कोई चार्जेस नहीं लगते, बट आपको यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम माई रिच एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू।